हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीथिंग बायो। मैं हूं सुष्मिता, आपकी एडुकेटर, और मैं जो भी पढ़ा रही हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर में, अगर कहीं पे भी डाउट है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? दिस इज़ एवरीथिंग बायो। टेलीग्राम चैनल इज़ बेसिकली फॉर आपको प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है? प्रैक्टिस पेपर, नोट्स, और अगर जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है, इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए ये चैनल यूज़ किया जाएगा। और सेम नाम में, एवरीथिंग बायो नाम में ही एक ग्रुप है, ठीक है? ये ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं डाउट सॉल्व करने के लिए। आप वहाँ पे क्वेश्चन का पिक्चर्स भेज सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर बताऊँगी, और जो वीडियो सॉल्यूशन होगा वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगी चैनल में। वो आप उसका लिंक मैं उस ग्रुप में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। यही चैनल, इसी चैनल में उसको अपलोड किया जाएगा, ठीक है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे काम रहते हैं, सिर्फ ये नहीं रहता है, तो डाउट मैं तुरंत आपका सॉल्व कर दूंगी, लेकिन जो वीडियो सॉल्यूशन है वो शायद उस दिन उसके एक दिन बाद आ सकता है, क्योंकि मुझे कितना टाइम मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वीडियो सॉल्यूशन मैं एकदम साथ साथ नहीं दे सकती, लेकिन यहाँ पे आप मुझे कहीं पे भी डाउट सॉल्व, मतलब मैं ये बात कर रही हूँ, वीडियो सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ जो आप क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे इसके लिए। और अगर आपको कोई टॉपिक समझना है उसके लिए भी आप बोल सकते हैं, तो मैं वो पर्टिकुलर चीज़ मैं इसी प्लेटफॉर्म में आपको, आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूंगी और आप वो बाद में देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन उस वीडियो सॉल्यूशन के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल चलता है, ठीक है? तो और इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी में, तो मेल की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको डाउट सॉल्विंग के लिए तो ये ग्रुप मिल ही जा रहा है। एवरीथिंग बायो डाउट नहीं है ग्रुप का नाम, ठीक है? ये डाउट सॉल्विंग के लिए ये ग्रुप है एवरीथिंग बायो, और चैनल का नाम भी एवरीथिंग बायो है। वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, प्रैक्टिस पेपर, नोट्स, ये सब मिलेंगे। फिलहाल अभी तो नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी को ही अपना नोट्स मान रहे हैं, और जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे जो भी पिक्चर्स दे रही हूँ, कुछ भी अगर इम्पॉर्टेंट जो क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंसेस है उसको जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, दोज आर लाइक, आप अगर बोलते हैं, आप अगर चाहते हैं तो मैं वहाँ पे उस चैनल में दे दूँगी। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड कि मैं कुछ अलग से कोई नोट्स प्रोवाइड करूं, ठीक है? तो देखते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3, ठीक है? इसके पहले दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। आप डिस्क्रिप्शन में एवरीथिंग बायो का जो ग्रुप और चैनल दोनों का ही लिंक मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिला, मिल जाएगा, लेकिन अगर आप टेलीग्राम में ऐसे ही सर्च करते हैं एवरीथिंग बायो, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा वो ग्रुप और चैनल दोनों ही। और यहाँ पे हम लोग इसके पहले जो दो वीडियो डाला गया है सेल चैप्टर के लिए, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, और वहाँ पे अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल वॉल से, ठीक है? तो एज यू मे रिकॉल, अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द फंजाई एंड प्लांट्स। तो हम लोग इसके पहले जब एनिमल सेल पढ़ रहे थे, एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं था, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। हाँ, वहाँ पे बहुत सारा माइक्रोविलीज प्रेजेंट होते हैं, या तो फिर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है? ये सब चीज़ कुछ मॉडिफिकेशंस वहाँ पे रहती है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो एक आउटर कवरिंग, एक रिजिड कवर जो प्रेजेंट होता है सेल वॉल, वो सिर्फ प्लांट और फंजाई में मिलता है, ठीक है? बैक्टीरिया में भी मिलता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है? तो नाउ सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये क्या करता है, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट, डैमेज, इस सब से नहीं बचाता है, इसके साथ साथ ये सेल टू सेल इंटरैक्शन में भी हेल्प करता है। इनके साथ ये सेल वॉल में चैनल्स प्रोवाइड, चैनल्स रहते हैं, उसके थ्रू एक सेल जो नेबरिंग सेल के साथ, एक सेल ये नेबरिंग सेल के साथ, नहीं 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 नहीं
ऐसा नहीं होगा शेप, सपोज दिस इज़ द प्लांट सेल, ठीक है, हाँ दिस विल बी बेटर। तो यहाँ पे चैनल प्रोवाइड करते हैं, इस चैनल के थ्रू दोनों सेल के बीच में कम्युनिकेशन रहता है, ठीक है। एल्गी हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो क्या क्या चीज़ रहती है एल्गी के जो सेल वॉल होते हैं वहाँ पे, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, वाइल इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी सेल वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ विच इज ग्रेजुअली डिमिनिशेज एज द सेल मैच्योर्स, एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्मड ऑन द इनर टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। तो यहाँ पे बेसिकली देखो तुमको बताया गया है कि एल्गी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे कि सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। दीज आर द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन एल्गल सेल वॉल, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि जो प्लांट है, प्लांट के जो सेल वॉल है वहाँ पे कुछ लेयर्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेल वॉल हो गया, सेकेंडरी सेल वॉल, फिर मिडिल लैमिला, तो ये सब कुछ लेयर्स वहाँ पे होते हैं जो कि एल्गी के लिए हम लोग नहीं देखते हैं। यहाँ पे प्लांट में कुछ लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रोथ के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से वहाँ पे कुछ लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ विच इज ग्रेजुअली डिमिनिशेज एज द सेल मैच्योर्स, एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। अब देखते हैं कि प्लांट सेल वॉल जो है वो कैसा दिखता, कैसा है, कहाँ गया प्लांट सेल वॉल। तो ये ऐसा होता है प्लांट सेल वॉल। तो मैं एक्चुअली ये मेरा ही ड्राइंग है तो मैं पहले से बना के रखी हूँ, क्योंकि ये अगर मैं अभी वीडियो में बनाने की कोशिश करती हूँ तो बस हो गया, इसी में लग जाएगा 20-25 मिनट, यहाँ पे जाएंगे 20-25 मिनट नहीं लगेगा, एटलीस्ट 10 मिनट तो लगेगा ना बनाने के लिए, इतना कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है, तो वो भी पेन टैब में। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये है प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्लांट सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, लेट्स सी, कि ये जो ऊपर का ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन होता है प्राइमरी। अच्छा वन सेकेंड, ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन इज बेसिकली द प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। ये पोर्शन है क्या, प्राइमरी सेल वॉल, और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज, ये तो हो गया हमारा प्राइमरी सेल वॉल, है ना, और ये वाला है मिडिल लैमेला। और इसको देख के तो सबको ही पता चल रहा है, सब समझ में आ रहा है ना कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, या तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं हम लोग इसको, ये नहीं, ये वाला पोर्शन, ठीक है। बेसिकली ये टोटल पोर्शन जो है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और यहाँ पे हम लोग, ये तो हो गया राइट हैंड साइड में, हम लोग इसको बोल रहे हैं कि क्या क्या लेयरिंग क्या है, ठीक है, एक प्लांट सेल वॉल में कैसे कैसे लेयरिंग किया जाता है। और ये जो सेकेंडरी सेल ग्रोथ हो सेल वॉल होता है वो इनर साइड की तरफ होती है, नॉट आउटर साइड, ठीक है, इनर साइड की तरफ होगा ये सेकेंडरी सेल वॉल की ग्रोथ। तो ये हो गया लेयरिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, पहले मिडिल लैमेला है, फिर प्राइमरी सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट्स इट। और इसके बाद अंदर की तरफ हम लोग क्या देखेंगे, सेलुलोज, सॉरी,
साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स, बाकी सब जो सेल का जो कवरिंग है वो, राइट। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हेमीसेलुलोज प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये वाला, ठीक है। हेमीसेलुलोज इसके साथ ये वाले जो पोर्शन है, दीज आर ऑब्वियसली दीज आर फॉस्फोलिपिड, राइट। इतना कुछ लिख रहे हैं तो ये भी लिख दें, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, राइट। यहाँ पे पेक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि ये जो है वो क्या है, पेक्टिन। इसके साथ साथ यहाँ पे सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये जो ब्लू कलर के हैं, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, दीज आर द पेक्टिन्स, ठीक है, दीज आर द पेक्टिन्स, नीचे छुप जा रहा है। और ये जो ब्लू कलर का प्रेजेंट है यहाँ पे, ये ब्लू कलर का, दीज आर बेसिकली सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है। ओके, तो ये था प्लांट सेल वॉल के बारे में हम लोग पढ़े, क्या है, अच्छा प्लांट सेल वॉल के बारे में हम लोग अभी देख रहे थे। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, मिडिल लैमेला प्रेजेंट है, मिडिल लैमेला के साथ साथ यहाँ पे सेलुलोज प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके साथ यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हेमीसेलुलोज हेमीसेलुलोज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो कि यहाँ पे इसको बोल रहे थे, ये जो रेड कलर का यहाँ पे दिख रहा है ऐसे रिबन के जैसे, वो क्या है, वो पेक्टिन है। और यहाँ पे जो सीधा सीधा लाइन जैसे दिख रहा है, बॉक्स टाइप का, नॉट बॉक्स, लाइक एक रॉड टाइप का दिख रहा है, वो क्या है, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है। तो ये था प्लांट सेल वॉल के बारे में, इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, कि द मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला इज लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज the different neighboring cells together. The cell wall and the middle lamella may be traveled by plasmodesmata, traversed by plasmodesmata, which connects the cytoplasm of the neighboring cell. तो दोनों सेल के बीच में ये जो plasmodesmata होता है, ये cell wall and middle lamella में ही present होती है, और primary cell wall और middle lamella में present होता है ये plasmodesmata, और ये plasmodesmata क्या करता है, दोनों cell के बीच में help करता है communication मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले एक बार हम लोग सेल ऑर्गेनल्स जो यहाँ पे पढ़े थे, एंडो ये वाले पोर्शन को पहले एक बार देख लेते हैं। क्या है कि ये है एनिमल सेल, ठीक है, और एनिमल सेल में यहाँ पे देखो, इस पोर्शन में, इस जगह में, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियोलस, दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही जुड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखो इस तरफ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, लेकिन इसके ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर का जो एनवेलप होता है, न्यूक्लियस एनवेलप, उसमें राइबोसोम्स रहते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स रहते हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप के साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ रहता है, उसमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, ये वाले पोर्शन, हाँ, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे राइबोसोम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो दिस पोर्शन, यहाँ पे दिस आर द न्यूक्लियर पोर्स, दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स, राइट। इस तरफ से कुछ
जो जो भी मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे होती है। नाउ ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है जो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ एडजसेंट में प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट है और इसके साथ यही पोर्शन के आसपास क्या होता है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होता है। तो ये एक बहुत ही मतलब एक जैसे कि रेलगाड़ी होती है ना, वैसा एक सीक्वेंस वाइज ये सब रह रहे हैं। पहले न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बाद क्या है, न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रेजेंट हो रही है, और उसी के पास यहाँ पे गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होता है। और गॉल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो एक तरफ होता है सिस का जो हिस्सा है, सिस और ट्रांस दोनों दोनों साइड होता है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का, तो सिस का जो पोर्शन है वो न्यूक्लियस के तरफ होता है, और जो ट्रांस का पोर्शन है जो कि मैच्योर्ड पोर्शन है, सिस का, सिस मतलब क्या है, फॉर्मिंग फेस, राइट, सिस का मतलब क्या है, फॉर्मिंग फेस, ये जो फॉर्मिंग फेस है ये न्यूक्लियस के तरफ होता है, और जो ये मैच्योर्ड फेस है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है। फाइन, तो हम लोग अगर देखते हैं इस मतलब इसी को थोड़ा सा इलाबरेट करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले वी नीड टू लर्न समथिंग, लाइक जो बाकी के जो एग्जाम्पल्स है उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ जो ऑर्गेनल्स है उसको छोड़ के, जो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, ऑल दीज कम अंडर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो पढ़ते हैं कौन कौन है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के साथ। व्हाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स डिस्टिंक्ट इन देयर इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मेनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। तो हम लोग क्या देखें कि जो फंक्शन है वो फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। सिंस द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कॉम्पोनेंट्स, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो बिफोर मूविंग ऑन टू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वी मस्ट नो, लाइक यू मस्ट नो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो है कौन कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, ये जो महतर्मा यहाँ पे प्रेजेंट है वो एक्चुअली उसका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा। उसको जानने के बाद हम लोग जान पाएंगे कि इनके बीच में जो फंक्शन का जो कनेक्शन है वो एक्चुअली है कैसा, राइट। तो पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसको क्यों बोला जाता है। ये जो तीन लोग हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम, इन तीन को क्यों एंडो एंड वैक्यूल्स, इनको क्यों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर लिया जाता है, वैक्यूल्स। नाउ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील दैट द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रा सेलुलर स्पेस इन टू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, दैट इज लुमिनल इन साइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रा लुमिनल, दैट इज साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे दिखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे सिस्टर्नी के जैसे फॉर्म करता है, ठीक है। और कभी कभी इसके बाहर ऐसे करके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कभी कभी राइबोसोम्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, और कभी कभी ये स्मूथ रहते हैं। स्मूथ रहते हैं मतलब यहाँ पे अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये एक रफ स्ट्रक्चर जैसा हो गया, है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे राइबोसोम नहीं रखते हैं, ये एक स्मूथ एक स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक, रुको इसको यहाँ पे नहीं बनाते हैं, इसको थोड़ा सा उस साइड में बनाते हैं, है ना। यह क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं स्मूथ को, दैट इज स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो यहाँ पे जो ये राइबोसोम प्रेजेंट है, हम लोग पहले ही जानते हैं कि राइबोसोम जो करता है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, राइट। तो अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास यहाँ पे है तो ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, राइट, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। और अगर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बेसिकली क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, तो राइबोसोम अगर है तो राइबोसोम का ही काम ये करेगा, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का जो जिम्मा है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद ले लेता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि दो जो हिस्सों में ये बांटा है वो बेसिकली क्या है, एक है लुमिनल और दूसरा है एक्स्ट्रा लुमिनल। तो देखो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग देख रहे हैं, इसके अंदर का जो स्पेस है ना, इसी को बोल रहे हैं लुमिनल, लुमिनल, और बाहर में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये सेम है ACR के लिए भी, सेम है मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए भी सेम है, इसके अंदर का जो पोर्शन है वो है लुमिनल और बाहर है साइटोप्लाज्मिक पोर्शन, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली कैसा है, एक पाइप जैसा सिस्टम है, लेकिन ये क्लोज्ड पाइप जैसा सिस्टम है, राइट। तो इसके अंदर जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं लुमिनल, इसके अंदर भी बहुत कुछ काम चलता रहता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एनवायरमेंट है उसको हम लोग लुमिनल नाम दिए हैं, और बाहर में जो साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में ही तो ये सब घूमते रहते हैं ना, तो साइटोप्लाज्म में जो मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक एरिया। तो यही दो हिस्सों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड किए हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सर्फेस, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सर्फेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज RER, एंड इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपियर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। We have already discussed that. Now, RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis. Ribosome agar present hai, toh protein synthesis hogi and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. Toh ye jo RER hai, wo basically kya karte hai? They are connected with nuclear membrane. कैसे और क्यों? क्योंकि सपोज इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर भी क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है इसके साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, यहाँ पे भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और न्यूक्लियस ऐसा एक जगह है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन चलती है, जहाँ पे जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है यहाँ पे एमआरएनए सिंथेसिस होती है। और ये जो न्यूक्लियर एनवेलप में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो न्यूक्लियर पोर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वही न्यूक्लियर पोर से एमआरएनए निकलता है। मतलब न्यूक्लियोलस में एमआरएनए बना, पहले तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, रुको थोड़ा सा नीचे करके दिखाती हूँ, ठीक है, देखो सपोज दिस इज न्यूक्लियस और यहां पे है न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, यस, इस जगह में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, ये है न्यूक्लियस, और यही न्यूक्लियस के बाहर की तरफ क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है।
अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसको मैंने डबल मेम्ब्रेन नहीं बनाया है, तो सपोज अच्छा ठीक है चलो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बना देते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, देखो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा बेकार में। तो यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये बन गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्या बना ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया है ना। यहाँ पे सारे पे ये राइबोसोम्स भरे पड़े हुए हैं, और अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोलस यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होता है ना, ये जगह पे इस जगह पे यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन चल रही है, डीएनए रेप्लिकेशन या तो फिर तुम बोल सकते हो डीएनए सिंथेसिस चल रही है, ठीक है डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, मतलब डीएनए बन रहा है। अब ये डीएनए बनने के बाद क्या होगा, न्यूक्लियोलस में एमआरएनए सिंथेसिस हो रही है, मतलब यहाँ पे एमआरएनए बन रहा है। अब बन के ही तो वहाँ पे रहने नहीं वाला है ना, अब इस एमआरएनए से ये प्रोसेस तो पता है ना, पहले क्या होता है डीएनए से तो जो डीएनए बनता है उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, राइट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। फिर डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, राइट ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, राइट ट्रांसलेशन बोलते हैं। नाउ ये हो गया न्यूक्लियोलस में एमआरएनए का सिंथेसिस हुआ है। अब दो प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देखें कि एक तो हो गया है रेप्लिकेशन और दूसरा हो गया है ट्रांसक्रिप्शन, ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे रेप्लिकेशन भी हो गई है और यहाँ पे अभी ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया। अब ये दोनों प्रोसेस होने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि अभी हम लोग को ट्रांसलेशन करना है, मतलब ये थर्ड प्रोसेस करना है। तो ये थर्ड प्रोसेस करने के लिए क्या होता है ना, ये एमआरएनए क्या होता है, ये बाहर निकलता है, ठीक है। अच्छा न्यूक्लियर एनवेलप मुझे बनाना ही पड़ेगा वरना ये बाहर कैसे निकलेगा। न्यूक्लियर एनवेलप बनाने के लिए मैं इसी को थोड़ा सा मोटा हो गया है एनवेलप, और कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है। तो यहाँ पे दीज आर द पोर्स, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट्स, और यही न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या होगा, ये एमआरएनए बाहर निकलता है, और ये बीच में और भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं वो तो हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जैसे ही एमआरएनए बाहर निकल गया है, ठीक है एमआरएनए अभी बाहर निकल गया है, बाहर निकलने के बाद अभी ये राइबोसोम के साथ मिलके क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो ये सेम चीज़ क्या होती है, यहाँ पे होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो प्रोटीन जो निकला है, जो वो प्रोटीन जब बनता है ना, वो एक नॉर्मल सिंपल एक प्रोटीन जैसा बनता है, एक अमाइनो एसिड चेन जैसा बनता है। अब प्रोटीन का जो महत्व होता है वो क्या होता है कि प्रोटीन का जो फंक्शन है, जो प्रोटीन काम करेगा उसके साथ उसके स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा कनेक्शन होती है। मतलब अगर सपोज कोई भी प्रोटीन ऐसा है, रुको एक सेकेंड, हाँ तो कोई भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो ये अभी कोई भी वे में नहीं है, मतलब ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। फिर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये कुछ काम नहीं करता है, दिस इज नॉट एट ऑल अ फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है कोई काम नहीं कर रहा है। फिर ये क्या होता है, थोड़ा सा बाइंड करता है, ठीक है सपोज कोई हेलिक्स बनाया, ओके दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इसमें भी ऐसा कोई फंक्शन होता नहीं है। इसके बाद क्या होता है, दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन,
इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि ये और ज्यादा फोल्ड होता है, फिर फोल्ड होके ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। दिस इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और फिर आता है बाद में क्वार्टरनरी। तो ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना, इसी टर्शियरी स्ट्रक्चर से ये फंक्शनल हो जाता है, दिस इज द फंक्शनल प्रोटीन। इसके बाद और भी फंक्शनल प्रोटीन, तो इसके बाद और भी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो होता है वो भी फंक्शनल प्रोटीन होती है। तो ये पहले जब एमआरएनए और राइबोसोम जो एकदम फ्रेश जो प्रोटीन बनाता है ना, वो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाता है, जो कि कोई काम का नहीं है, ठीक है। इसके बाद उसको और ज्यादा मॉडिफाई करना पड़ता है, मॉडिफाई करके फिर उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर में लाना पड़ता है, फोल्ड करना पड़ता है। बहुत ज्यादा सिक्वेंसेस होती है, उस सिक्वेंसेस के बेसिस में उसको फोल्ड करना पड़ता है, और तब जाके जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो फंक्शनल होती है। तब डिसाइड किया जाता है, वो फंक्शनल प्रोटीन निकलने के बाद डिसाइड किया जाता है ये अब कौन सी जगह में जाएगा, सेल के अंदर रहेगा, सेल के बाहर जाएगा, सेल के कोई ऑर्गेनेल्स में जाएगा, ये तब डिसाइड होती है, ठीक है। और ये कैसे डिसाइड होती है, ये कैसे जाएगा, वो तो वेसिकल्स के थ्रू जाते हैं। तो हम लोग अगर देखे हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के आसपास होते हैं, और न्यूक्लियस के आसपास रह के न्यूक्लियस से जैसे ही एमआरएनए निकलता है उसके पास वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और एमआरएनए और राइबोसोम मिलजुल के प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद यही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद पास भी सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है, तो इसी के अंदर ये प्रोटीन मॉडिफिकेशन चलती है। और ये यहाँ से जो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन निकला है ये वेसिकल्स के थ्रू बाहर जाता है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, और यहीं पे गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का सिस पोर्शन प्रेजेंट है, ठीक है। सिस फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, या तो फिर फॉर्मिंग फेस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो सिस फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वेसिकल्स के थ्रू ये क्या होता है, इसके साथ अटैच हो जाता है। अटैच कैसे होगा, जैसे कि इसके पास गया, और जाने के बाद सपोज दिस इज द सिस्टर्नी, और यहाँ पे ये है वेसिकल, ठीक है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला है। तो ये इसके साथ ऐसे अटैच हो जाता है, और अंदर में जो भी लाया था, अंदर में जो भी ये लाया था ये यहाँ पे चला जाता है अंदर, और फिर वहां पे वापस से उसका मॉडिफिकेशन शुरू होती है, मॉडिफिकेशन चलती रहती है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये वाले पिक्चर को देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, दिस इज ऑल्सो ड्रॉन बाई मी, ठीक है, बिहाइंड द कैमरा। तो देखो ये है न्यूक्लियस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था जहां पे एमआरएनए का सिंथेसिस हुआ है। अब ये एमआरएनए निकला है, और ये जो राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये राइबोसोम्स के थ्रू और एमआरएनए के साथ मिलके ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो ये प्रोटीन फिर क्या करता है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ से अभी वेसिकल्स के थ्रू, ये जो वेसिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ये वेसिकल्स अब इसके साथ अटैच होगा, ठीक है, सिस्टर्नी के साथ अटैच होता है, और सिस्टर्नी के अंदर वो प्रोटीन आता है, वो प्राइमरी प्रोटीन आता है, और ये सिस्टर्नी टू सिस्टर्नी ऐसे करके मॉडिफिकेशन होते होते जाता है, ये मॉडिफाई होते होते फाइनली ये ट्रांस फेस में आता है, ठीक है। ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन क्या है, सिस फेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। और ये जो पोर्शन है दिस इज द ट्रांस फेस, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ट्रांस फेस है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेच्योर्ड फेस भी बोलते हैं, और यही होता है सेल मेम्ब्रेन के पास, सेल मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होता है, और दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं इस पोर्शन को तो देखेंगे, देखो ये वाला जो पिक्चर है दिस इज द एक्चुअल पिक्चर विच आई हैव सीन, आई हैव ड्रॉन, लेकिन मेरा शायद ये यहाँ पे मेरा, मैं आ रही हूँ तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर ली, ठीक है, जूम आउट कर ली।
तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में जो एमआरएनए सिंथेसिस हुआ, न्यूक्लियस में एमआरएनए सिंथेसिस होने के बाद क्या होता है, ये एमआरएनए यहाँ पे आता है राइबोसोम के पास कि मुझे ना इस एमआरएनए से अभी प्रोटीन बनाना है। तो ये बोलता है ठीक है चलो बना देते हैं। तो ये जो अभी हम लोग प्रोटीन बनाए हैं वो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, लेकिन इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई कौन अच्छा कर सकता है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के पास लेके जाओ। तो ये किसके तरफ से लेके जाएगा, कुछ तो चाहिए, ये इसके साथ एमी तो अटैच नहीं हो सकता ना। तो यहाँ से एक वेसिकल्स निकलता है, ठीक है, ये वेसिकल आता है इसको लेके, और इस वेसिकल के अंदर वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और फिर ये वेसिकल इस स्टेनी के साथ अटैच होता है। अटैच होने के बाद वो प्रोटीन देता है उसको, और ये प्रोटीन अभी एक के बाद एक ऐसे ये पूरे पाथवे से प्रॉपरली मॉडिफाई होके आता है। अब जब ये इस ट्रांसफेज से निकलता है वेसिकल्स के थ्रू, तब इसमें एकदम प्रॉपर प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि एक फंक्शनल प्रोटीन है, एकदम उसको आप काम पे लगा सकते हैं। लेकिन इस टाइम में आके डिसाइड होती है कि करना क्या है, मतलब जैसे होता है ना कि लाइफ में एक्चुअली करना क्या है। सब कुछ तो कर लिए, 12th कर लिए, 11th कर लिए, सब कुछ हो गया, स्कूल खत्म हो गया, लेकिन अब किस तरफ जाना है, मेडिकल करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, या तो फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, क्या करना क्या है, या तो फिर ऐसे ही बैठना है, अपना गिटार सीखना है, मतलब ये सब कुछ आर्ट की तरफ जाना है, ठीक है, पैशन फॉलो करना है, करना क्या है। तो यहाँ पे डिसाइड होता है, ठीक है, कि हम लोग दो दो साइड में हम लोग जा सकते हैं, दोनों रास्ता है। एक तो है कि सेल के बाहर चली जाओ, ठीक है, फॉरेन में चले जाते हैं, फॉरेन में देखते हैं क्या सिचुएशन है, जॉब कैसी रहती है क्या नहीं, या तो फिर घर पे ही रहो, ठीक है, देखो कि कौन सी जगह में तुमको जॉब मिलती है, कहाँ पे जाएंगे, मतलब सपोज यहाँ से हमें माइटोकॉन्ड्रिया में शायद कुछ ओपनिंग है तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट है तो वहाँ पे चले जाएंगे ये प्रोटीन, या तो फिर वापस से न्यूक्लियस में ही कोई प्रोटीन की जरूरत होगी तो वापस से हम लोग यही जहाँ जिस स्कूल से पढ़े थे उसी स्कूल में चले गए टीचर बन के, ठीक है, तो जहाँ से बन के आए थे वहीं पे चले गए पढ़ाने के लिए, ये सेम हो गया। या तो फिर हम लोगों को कहीं पे क्लोरोप्लास्ट में चाहिए प्रोटीन, ठीक है, तो वहाँ पे कहीं और कंपनी में जॉब जॉब लग गई है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो हम चले गए सीवी लेके कि वहाँ पे काम करने के लिए। तो ये होता है डिसीजन कि भाई ये यहाँ पे एमआरएनए सिंथेसिस हुआ है, एमआरएनए से हम लोग को प्रोटीन मिल गया है, प्रोटीन मिलने के बाद हम लोग सिस्टर्नी से आ रहे हैं, सिस्टर्नी के थ्रू ये पूरा मॉडिफिकेशन हुआ है, पहले तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बना था, फिर इसको मॉडिफाई करके सेकेंडरी टर्शियरी तक आके एक प्रॉपर फंक्शनल यूनिट में लाए हैं कि अभी ये काम करने के लिए तैयार है, लायक है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को डिसाइड करना है ये काम करेगा तो कहाँ करेगा, अगर बाहर की तरफ जाना है, अगर फॉरेन में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये वेसिकल अटैच हो जाते हैं, और अटैच होके जो भी प्रोटीन बनाया था ये वापस बाहर कर देता है, ठीक है। और फिर जो जिसको घर में रहना है वो ऐसे वेसिकल बना के ये चलते रहते हैं, जिस तरफ वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वहां पे जाएंगे, फिर उनके मेम्ब्रेन के साथ अटैच होके फिर वो अपना प्रोटीन उसको दे के आएंगे, ठीक है। या तो फिर अगर न्यूक्लियस में वापस से जाना है तो न्यूक्लियस के पास फिर से जाएंगे कि भाई हमने यहाँ से पढ़ाई की थी, अब हमें फिर से यहाँ पे ही जॉब चाहिए, हम लोग कहीं कंपनी में कोई कंपनी में नहीं जाएंगे, जिस कॉलेज से पढ़े थे उसी कॉलेज में हम लोग प्रोफेसर होके आएंगे, या तो फिर जिस स्कूल से निकले थे उसी कॉलेज में टीचर बनना है, ठीक है। तो ये हो गया, जहाँ से निकले थे वहीं पे जा रहे हैं काम करने के लिए। कोई कोई ऐसा भी हो सकता है, इसके आप ये भी बोल सकते हैं कि घर का ही बिजनेस में हाथ बटाना, ठीक है, बहुत कुछ पढ़े, पढ़ाई लिखाई किए, एमबीए वगैरह सब कुछ करते हैं और उसके बाद जाके घर का ही बिजनेस संभालते हैं, तो वो भी हो गया कि वापस यहीं से बन के आए थे तो वहीं पे वापस जा रहे हैं। तो ये था टोटल फंडा। अब देखो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो पूरा फंक्शन मैंने बताया ये तो टोटल एक साथ ही बना हुआ है ना। अब लाइसोजोम का क्या होता है कि यहीं से कुछ वेसिकल्स निकलते हैं और उसी वेसिकल्स में कुछ मॉडिफिकेशन होती है और वो मॉडिफिकेशन के थ्रू वो लाइसोजोम बन जाते हैं, ठीक है। लाइसोजोम का यही मतलब डिफरेंस है कि वो नॉर्मल कोई वेसिकल्स में कुछ मॉडिफिकेशन होती है और मॉडिफिकेशन के थ्रू वो लाइसोजोम बन जाते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। ओ बाबा रे, ठीक है, अब देखो
अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे द स्मूथ एंडोप्लाज्म, अच्छा हम लोग यहाँ पे थे, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन एनिमल सेल। लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज इन ACR। तो वो तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ कमिंग टू द गॉल्गी एपरेटस, तो हम लोग मैं ऑलरेडी एक्चुअली गॉल्गी एपरेटस भी आप लोग को पढ़ा दी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है NCERT में। कैमिलियो गॉल्गी 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। दीज वेर लेटर नेम्ड एज गॉल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। तो उनका नाम था कैमिलियो गॉल्जी, तो उन्होंने अपने नाम के हिसाब से अलग कोई नाम नहीं सोचे, अपना नाम के हिसाब से गॉल्जी बॉडीज नाम रख दिए। ठीक है, दे कंसिस्ट मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। तो ये इसी को बोलते हैं सिस्टर्नी। मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है, देखो दिस पोर्शंस आर सॉरी या दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी। ये जो यहाँ पे पर्पल कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस स्ट्रक्चर्स आर सिस्टर्नी। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है दिस द सिस फेस, जो कि न्यूक्लियस की तरफ होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है ये वाला फेस क्या है, ट्रांस फेस होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ओबियसली पैरेलल टू ईच अदर, वेरीड नंबर सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन अ गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। द गॉल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेस एंड कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। तो जो न्यूक्लियस की तरफ होता है वो फॉर्मिंग फेस होती है और वो कॉन्वेक्स होता है, और जो ट्रांस होता है वो कॉनकेव होता है, मैच्योरिंग फेस होती है। सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। तो सब डिफरेंट है लेकिन इंटरकनेक्टेड है, एक साथ ही, मतलब उनके बीच में कुछ अलग अलग नहीं है, सब में कम्युनिकेशन रहता है। ठीक है, भले ही यहाँ पे जो शुरू किए थे, यहाँ पे जो शुरू हुआ था यहाँ जाके वो ख़त्म हो गया, लेकिन ये इंटरलिंक्ड है। अगर इंटरलिंक्ड नहीं होता तो यहाँ पे जो प्रोटीन हम लोग को मिला था ये यहाँ पे जाता कैसे, है ना। इनमें तो कम्युनिकेशन चल रही है, सब कुछ चल रही है, इसीलिए वो जा पाया है। तो इसीलिए ये सब इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन रखते हैं और ऐसे ही थ्रू द कम्युनिकेशन वो लोग अपना काम निपटा लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, द गॉल्जी कॉम्प्लेक्स गॉल्जी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड ईदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईयर फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गॉल्जी एपरेटस एंड मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस। दिस एग्जाम एक्सप्लेन्स वाई द गॉल्जी एपरेटस रिमेन्स इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाई राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गॉल्जी एपरेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांस फेस। गॉल्जी एपरेटस इज द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। तो क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं और ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं, और बाकी यहाँ पे जो भी मेंशन है ये तो मैंने बहुत ही डिटेल में बता दिया है ना। अब देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या लिखा है कि दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गॉल्जी एपरेटस। तो सेम तरीके से वेसिकल्स के फॉर्म में ही होता है, लेकिन लाइसोसोम में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है और उस मॉडिफिकेशन के थ्रू ये बन जाता है लाइसोसोम। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में क्या क्या एंजाइम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोलेसिस, लाइपेसिस। हाइड्रोलेसिस में क्या है, लाइपेसिस, प्रोटीएसिस, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, optimally active at the acidic pH. These enzymes are capable of digesting carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid. Fine, ये हो गया हमारा lysosome. अब देखते हैं vacuole. Vacuole में क्या है, the vacuole is the membrane bound space found in the cytoplasm. It contains water, sap, excretory products and other materials not useful for the cell. तो यहाँ पे वैक्यूल बेसिकली किस में प्रेजेंट होता है, बहुत जो लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है, लार्ज जो प्रेजेंट होता है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है ना। और ऐसा नहीं है कि एनिमल सेल में नहीं रहता है, लेकिन उसका जो साइज होती है वो छोटी से होती है, छोटी छोटी साइज होती है। ठीक है, तो मेन जो है वो लार्ज प्लांट में ही प्रेजेंट होता है। द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल।
In plants, the tonoplast facilitates the transport of the number of ions and other materials against concentration gradient into the vacuoles. तो यहाँ पे अगर against concentration gradient हो रहा है तो यहाँ पे ATP खर्च होती है ना? ATP खर्च होगी अगर against concentration gradient जा रहा है, अगर low से high की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको तो पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो नॉर्मल कॉन्वीनियंट वे था उसको तो उसने स्वीकारा नहीं, उसको कुछ और ही चाहिए, तो और चाहिए तो उसके लिए और पैसा खर्चा करना पड़ेगा या तो फिर और एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा. तो इसीलिए यहाँ पे ATP इज द करेंसी यूज्ड हियर. ठीक है, हेंस देयर कंसेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म. इन एमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. इन मेनी सेल्स as in protist, food vacuoles are formed by engulfing the food material. Mitochondria में क्या होता है? Mitochondria को अगर हम लोग singular way में बोलते हैं तो वो होता है mitochondrial. Unless specifically stained, अगर अच्छे से stain किया गया है are not easily visible under the microscope. अगर stain नहीं किया जाता है तो वो नहीं दिखता है under the microscope. The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cell. अब देखो mitochondria का काम क्या है. Mitochondria क्या करता है बेचारा? हमारे लिए ATP का production करता है. ATP किस चीज के मतलब ATP किस चीज में काम आता है? ATP is the energy currency. ठीक है, तो अगर कुछ muscles में जैसे कि red muscles होता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज चलती है तो वहाँ पे नंबर ऑफ जो माइटोकॉन्ड्रिया हो है ना वो ज़्यादा होता है. तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी सेल कहाँ पे है, क्या फंक्शन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कैसी टाइप की जो ऑर्गेनल्स है, कौन सी ऑर्गेनल्स ज़्यादा प्रेजेंट हो. जैसे कि प्लांट में प्लांट का भी कुछ कुछ प्रेजेंट होता है, जैसे कि लीफ में, लीफ इज द एक्चुअल किचन फॉर द प्लांट. ठीक है, हालांकि पूरा प्लांट ही ग्रीन होता है लेकिन लीफ में सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल वहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि लीफ एक बहुत ही अच्छा एक स्पेस होता है सब कुछ काम करने के लिए, एक किचन का काम करने के लिए लीफ इज़ द बेस्ट फॉर प्लांट. ठीक है, तो इसीलिए मेसोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो सबसे ज़्यादा लीफ में प्रेजेंट होता है पूरे प्लांट बॉडी से. तो सेम तरीके से हमारे जो मसल सेल्स होते हैं वहाँ पे एटीपी बहुत ज़्यादा चाहिए, और इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना मसल सेल्स, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन भी होती है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है मसल सेल्स में. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री वेरिएबली ऑब्जर्व्ड. टिपिकली इट इज़ अ सॉसेज शेप्ड और सिलिंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर एंड लेंथ 1.1 टू 4.1 माइक्रोमीटर. नाउ ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड. तो हम लोग जो भी पढ़ रहे थे एंडोप्लाज्मिक सिस्टम में, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, वहाँ पे हम लोग देखे हैं सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है. ओके, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर न्यूक्लियस, ये क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, ऑल दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड. नाउ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग द ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू द टू एक्यूअस कंपार्टमेंट, दैट इज आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट. द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद द डेंस होमोजीनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स. The outer membrane is formed continuous limiting boundary of the organelles. The inner membrane forms the number of infoldings called crystal. तो देखो ये जो infoldings यहाँ पे present है, these infoldings are basically crystal. इसको ये infoldings को crystal बोला जाता है. ये surface area increase में बहुत ज़्यादा help करता है और ATP generation में भी help करता है, क्योंकि वहाँ पे F1 particles present होते हैं. ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, यहाँ पे जितना दिया है उतना पढ़ लेते हैं पहले. द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी टूअर्ड्स द मैट्रिक्स. द क्रिस्टी इंक्रीज द सर्फेस एरिया. द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर टू स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन. माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. यस, द मैट्रिक्स पोजेसेस सिंगल सर्कुलर
डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, इकलौता रहता है, सर्कुलर होता है, डीएनए होती है, ठीक है। तो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट एंड अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल इज आल्सो प्रेजेंट। इसके साथ साथ राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि 70S टाइप के होते हैं एंड द कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। कौन? राइबोसोम, components required for the synthesis of the protein. The mitochondria divide by fission. The mitochondria fission के process के through divide होते हैं। तो ये था mitochondria के बारे में। तो हम लोग क्या क्या points देखे mitochondria में? Double membrane bound होता है, infoldings होती है inner membrane में, ठीक है। outer membrane और inner membrane basically दो हिस्सों में बांटे हैं, inner lumen होता है और उसके साथ साथ एक होता है cytoplasmic space और दूसरा होता है intercellular matrix, ठीक है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या हुआ, जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें फोल्डिंग्स होती है, जिस फोल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी हुआ। इसके बाद जो वहाँ पे जो सॉरी इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, इकलौता है और सर्कुलर भी है और इसके साथ साथ कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम जो होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं और इसका जो करतुते देखो वो भी है क्या, फिशन, फिशन करते हैं ये, ठीक है, डिवाइड करने के लिए। तो अगर फिशन कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए तो ये तो ऑलरेडी प्रिमिटिव है, तो प्रिमिटिव अगर है तो इसका जो राइबोसोम है वो भी प्रिमिटिव होती है, 70S टाइप का होता है, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए कुछ कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूगिडॉइड्स। दीज आर इजिली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स ऑफ द प्लांट्स। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इंटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। इन क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। देखो बहुत ही सुंदर एक लाइन है, बहुत ही फेवरेट लाइन है एनटीए का, फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन से पिगमेंट्स, वाटर सोल्यूबल है कौन सा पिगमेंट्स, याद रखना। तो ये कैरोटीनॉइड्स जो है वो फैट सोल्यूबल है। ज़ैंथोफिल एंड अदर प्रेजेंट, दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो ऑरेंज रेड कलर। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ वेरिड शेप्स एंड साइज विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज स्टार्च। पोटैटो इलायोप्लास्ट स्टोर्स क्या, ऑयल। तो एक काम क्या होता है, एमाइलोप्लास्ट जो है वो क्या करते हैं, स्टार्च स्टोर करते हैं, जैसे कि पोटैटो, पोटैटो में एमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट है। इलायोप्लास्ट क्या करता है, ऑयल स्टोर करता है और फैट स्टोर करता है। वेयर एज एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रोटीन स्टोर करते हैं। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ये एल्यूरो वो सब हो गया, ठीक है। अब मेन जो फोकस है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि मेन जो काम है फोटोसिंथेसिस है, खाना पकाना है, वहां से खाना मिलता है, खाने में फोकस है हम लोगों का, ठीक है। बाकी और कोई भी यहाँ पे कितना भी तुम ऑयल ले लो, स्टार्च कर लो, ठीक है, स्टोर कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेन जो प्रॉब्लम है वो है खाना है और हम लोग अभी फोकस करेंगे खाने पे। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। तो मेसोफिल सेल्स एक नाम होता है, एक टाइप के सेल्स होते हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो दीज आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनिज हैविंग वेरिएबल लेंथ एंड विड्थ। तो इतने सारे शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के जैसे, ये प्लास्टिड के, क्लोरोप्लास्ट के। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम वन पर सेल ऑफ द क्लैमाइडोमोनस। क्लैमाइडोमोनस में एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एक सेल में, जहाँ की ग्रीन एल्गी में 20 से 40 सेल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स में। एक मेसोफिल सेल्स में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है, जितना ज़्यादा ज़रूरत होगी वो ज़रूरत को फिल करने के लिए उतना ही ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, पहले ही बताया था। Of the two inner chloroplast membrane is relatively less permeable.
इनर क्लोरोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है ये वाला, आउटर क्लोरोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है वो परमेबल है, लेकिन जो अंदर का ये जो क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है ये वाला इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमेबल है. द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. तो ये जो पीला कलर का तुम देख रहे हो ना, दिस इज द स्ट्रोमा. यहाँ पे क्या होता है, डार्क रिएक्शन, अंधेरा कायम रहता है यहाँ पे. वेल, तुम लोग शायद समझोगे नहीं बिकॉज यू गाइज आर नॉट फ्रॉम जूनियर जी और शक्तिमान एरास. एनीवे, तो द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. तो स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन चलती है स्ट्रोमा में. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड थायलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा. थायलाकॉइड्स आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक पाइल्स ऑफ कॉइंस कॉल्ड ग्राना. तो देखो यहाँ पे ये जो है ना पोर्शन, दिस पोर्शन इज ज़ूमिंग, बहुत ज्यादा ज़ूमिंग हो गया. अब ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है ये तो स्ट्रोमा है. अब ये देख रहे हो, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है. ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थायलाकॉइड बोलते हैं. ठीक है, एक एक ये जो कॉइन वाले स्ट्रक्चर है, अब ये एक एक कॉइन को एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके सजाया गया है. सजाया गया नहीं है, मतलब उसको वैसे करके वो रहता है. ठीक है, अब एक एक ऐसे जो बंडल बनाया है ना, इसी को ग्रानम बोलते हैं, एक को ग्रानम बोलते हैं. एक, ये एक है, जैसे चेयर के ऊपर जब प्लास्टिक का चेयर, जब हम लोगों के कुछ पूजा वगैरह फेस्टिवल्स होता है ना, तब प्लास्टिक का चेयर रहता है ना, तो कैसे करते हैं, एक चेयर के ऊपर दूसरा चेयर लगाते हैं, फिर तीसरा चेयर लगाते हैं, ऐसे करके इसका साइज नहीं बढ़ता है, मतलब वैसे करके फिट किया जाता है ना. तो यहाँ पे भी सेम थायलाकॉइड को ऐसे फिट किया जा रहा है सेम वे में. तो ये एक जो बंडल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राना. अगर बहुत सारे बंडल है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ग्राना. दैट्स इट, और कुछ नहीं. ठीक है, और जो स्ट्रोमा है उस स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलती है, और इस ग्राना का भी बहुत ज्यादा काम है, तो हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में, अभी कोई जरूरत नहीं है. देखो अभी इसको पढ़ते हैं, बेसिक जो बेसिक जो यहाँ पे दिया गया है बस उसको पढ़ते हैं. Now, a number of organized flattened membranous sacs called thylakoid are present in the stroma. Thylakoids are arranged in stacks like piles of the coins called grana, singular grana, or the intergranal thylakoids. In addition, there are flat membranous tubules called stroma lamellae connecting the thylakoids of different grana. The membrane of the thylakoids enclose a space called lumen. The stroma of the chloroplast contain enzyme required for synthesis of carbohydrate and proteins. तो ये घुमा के बेसिकली यही बोल रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, ये जो है ना ये बेसिकली क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वो रिएक्शंस यहाँ पे चलता रहता है. ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो काम पे नहीं आता है. ठीक है, ये जो स्ट्रोमा ये जो लुमेन है, ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली है, थायलाकॉइड है, जो लुमेन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, थायलाकॉइड्स प्रेजेंट है, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस. जब फोटोसिंथेसिस के चैप्टर पढ़ोगे तब देखोगे सारे के सारे पूरे क्लोरोप्लास्ट में जो भी चीज वहाँ पे प्रेजेंट है ना, सब फोटोसिंथेसिस के लिए लग जाते हैं. ठीक है, तो इट इज इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए. तो यहाँ पे भी एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थायलाकॉइड. क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, थायलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं. द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, यहाँ पे भी 70s टाइप के होते हैं देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम. तो साइटोप्लाज्म में 80s टाइप का होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वहाँ पे राइबोसोम किस टाइप के होते हैं, 70s प्रिमिटिव टाइप के होते हैं. अब हम लोग आएंगे राइबोसोम में. राइबोसोम का जो चैप्टर पोर्शन है ना, वो मैं एक्चुअली सच में लास्ट जो क्लास है वहाँ पे मैंने ऑलरेडी पूरा पढ़ा दिया. ठीक है, यहाँ पे पढ़ाने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार रीड करेंगे. ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे इसको.
Ribosomes are granular structure first observed under the electron microscope as dense particles by George Pallett. ठीक है, दे आर कम्पोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज आर एन ए एंड प्रोटीन्स. तो दो चीज से बनी हुई रहती है, आर एन ए एंड प्रोटीन्स से बना हुआ रहता है और वो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं लेकिन कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है. द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ATS टाइप का होता है और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S टाइप का होता है. ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट्स, लार्ज एंड स्मॉल, larger and smaller. The two subunits, ATS ribosomes, are 60S and 40S and 70S are 50S and 30S. Here, Sedberg unit stands for sedimentation coefficient and it is indirectly measured the density and the size. Both 70S and 80S ribosomes are composed of two subunits. तो यहाँ पे basically large subunit और small subunit के बारे में बताए हैं. Large subunit क्या होता है? ये हमेशा ना दोनों अलग-अलग रहते हैं. Large अलग रहता है, स्मॉल अलग रहते हैं. जब ये जो mRNA से प्रोटीन बनना है, जब इसको पता चल गया कि ऐसा काम आने वाला है, तब क्या होता है, ये mRNA के ऊपर ये आके चिपक जाता है. ठीक है, अटैच हो जाता है. लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट एक साथ आ जाता है. तो ये जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या तो फिर पॉलीजोम भी बोला जाता है. ये एक mRNA के ऊपर इतने सारे जब आ गया. अब देखो, जब लार्ज सब यूनिट अकेला रहेगा ना, तब अगर सपोज इट इज फ्रॉम यूकैरियोटिक, तब क्या होता है, ये 60S टाइप का हुआ और ये 40S टाइप का हुआ. ओके, इसका अलग 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 जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, अलग अलग जो डेंसिटी एंड साइज है, वो अलग है. डेंसिटी के बारे में बात करते हैं हम लोग. ठीक है, अब क्या होता है, जब वो दोनों एक साथ आते हैं, एक साथ आने के टाइम में क्या होता है, दोनों मिलके वो ATS बना देते हैं. ATS कैसे होता है, मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी सेम बताया था कि अगर आपको मैंगो शेक बनाना है, आम का टाइम है, ठीक है, मैंगो लेना है और मिल्क लेना है, दोनों को एक साथ मिक्सी में घुमाना है, हो गया मैंगो शेक. दैट इज द सिंपल फॉर्मूला. लेकिन ये सब करने के पहले एक एक्सपेरिमेंट करो, सिंपल सा. ठीक है, मम्मी को बिना बताए करना वरना मार पड़ सकती है. तो देखो, मिल्क को ऐवे तुम मिक्सर में डालो और फिर घुमाओ, घुमा के देखना कि वो बहुत ज़्यादा छर छर करके एकदम बहुत ही फास्ट घूमता है और कोई भी कुछ मिक्सिंग का तो कुछ ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल घूमता रहता है वहाँ पे, बहुत ही फास्ट होता है पूरी चीज़. लेकिन मैंगो जो पल्प है, मैंगो का जो टुकड़ा करके उसको अगर मिक्सी में डालते हो, सिर्फ मैंगो को, ठीक है, मिल्क नहीं, विदाउट मिल्क अगर डालते हो, तो फिर क्या होता है, वो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर का होता है और वो थोड़ा सा स्लो होता है, बहुत स्मूथ टाइप का घूमता है, इधर उधर छिटकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही क्रीमी सा एक टेक्सचर होता है. ठीक है, तो ये हो गया जो कि बहुत थोड़ा सा स्लो हो रहा है और ये हो गया बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है. अब दोनों को मिक्स कर दो मैंगो शेक बनाने के लिए. तो जो मैंगो का पल्प था वहीं पे आप दूध डाल दो और फिर आप उसको घुमाओ मिक्सी को. मिक्सी को जब आप घुमाओगे तब देखोगे कि ये जो था ना बहुत स्लो, उससे ये थोड़ा सा फास्ट हो गया और ये जो मिल्क बहुत ज़्यादा फास्ट घूम रहा था ये थोड़ा सा स्लो हो गया और फिर ये दोनों एक समझौता करते हैं. समझौता करते हैं कि भाई दोनों को मिल के रहना है ना, तो एक बीच के बाद में आते हैं कि तुम भी थोड़ा सा अपना जो स्लो है उसको थोड़ा सा बढ़ा लो और हम भी थोड़ा सा घटा लेते हैं, क्योंकि उनकी जो डेंसिटी है वो वैसे मिक्स होके क्या होता है, एक बीच का सिचुएशन आ जाता है, एक मीडियम सिचुएशन में आ जाती है, मीडियम डेंसिटी में आ जाता है. एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे भी सेम हो रहा है कि 60S और 40S मिलके जब हम लोग सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कंस्ट्रेंट यूनिट के थ्रू जब हम लोग इसको मेजर कर रहे हैं, डेंसिटी एंड साइज मेजर किया जा रहा है, तब वो 60S और 40S मिलके 80S होता है. नॉट इवन दैट, 50S और 30S मिलके यहाँ पे 80S नहीं होता है, 70S होती है. ठीक है, जो कि प्रोकैरियोट्स का या तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे हम लोग को मिलता है ये 70S टाइप के राइबोसोम, वहाँ पे देखते हैं. ठीक है, ये था राइबोसोम का, मैंने फिर से समझा दिया और उस वीडियो में देख लेना, वहाँ पे शायद डिफरेंसेस लिखा हुआ है या कुछ है, मुझे याद नहीं है उतना, देख लेना एक बार. ठीक है, लास्ट वीडियो मतलब सेल का ये फर्स्ट वाला वीडियो, मतलब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट वन, उसमें किया गया है. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल वहाँ पे पढ़ाया जा रहा था.
तो वी हैव कवर्ड दिस मच टुडे। देखो कहाँ से, ये सेल वॉल से। हाँ, तो सेल वॉल से हम लोग इतना कुछ कर लिए हैं। यहाँ पे और भी चीज़ यहाँ पे हम लोग देखे हैं, किस चीज़ के बारे में। अच्छा हाँ, ये सेल वॉल, प्लांट सेल का वॉल हम लोग देखे हैं, उसके साथ न्यूक्लियस और गॉल्गी का रिलेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड न्यूक्लियस और गॉल्गी का रिलेशन। और इसके साथ ये जो पोर्शन था यहाँ पे, तो बहुत कुछ समझाया गया था कि आरईआर क्या होता है, एसीआर क्या होता है, न्यूक्लियस के साथ जो गॉल्जी का जो सिचुएशन यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन रिप्लिकेशन ट्रांसलेशन कैसे कैसे हो रहा है, और प्रोटीन का जो सिंथेसिस होती है वहाँ पे मॉडिफिकेशन का कितना ज़्यादा हाथ होता है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से आ गए हैं कि टेलीग्राम जो चैनल है एवरीथिंग बायो, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस नोट्स, ये सब प्रैक्टिस पेपर्स, नोट्स, ये सब मिल जाएगा, और इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी मिल जाएंगे। और ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा। अगर आपको डाउट सॉल्व करना है तो एवरीथिंग बायो नाम पे ही एक ग्रुप है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, आप डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, तो वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए अगर आपको डाउट सॉल्व करना है तो। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना, ये सब जो काम होती है वो तो कर लीजिए। और जो डाउट है वो मैं आपको उसी दिन, कुछ घंटा शायद इधर उधर होगा, ठीक है, कुछ आवर्स के डिफरेंस हो गए, तो उसी दिन मैं आपको उसका आंसर बता दूंगी। लेकिन जो वीडियो सोल्यूशन है, मतलब सपोज आप बोल रहे हैं कि मैम इस टॉपिक को समझा दीजिए, ठीक है, या ये टॉपिक को मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अगर कोई टॉपिक बोलते हैं तो मुझे उसमें वीडियो बना के फिर उसको अपलोड करने में एटलीस्ट टाइम तो लगेगा। कोई टॉपिक अगर होगा तो उसमें तो 2-3 दिन लगेगा। लेकिन सपोज आप कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, और क्वेश्चन को आप मुझे बोल रहे हैं कि इसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, मतलब वीडियो में समझा दीजिए, तो उसके लिए भी मुझे 1 दिन एटलीस्ट लगेगा, 1-1.5 दिन लगेगा। क्योंकि अगर मतलब सिर्फ वो वीडियो शेड्यूल तो नहीं रहता है, सब कुछ काम एक शेड्यूल में चलता है, और वो शेड्यूल बहुत ही बिजी है, तो उस हिसाब से मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ता है, ठीक है। तो हैव पेशेंस, लेकिन आप मुझे पिंग करते रहिए, मैं ज़रूर आपकी हर डाउट को सॉल्व करूंगी, क्योंकि तो मुझे बहुत पसंद है डाउट सॉल्व करना, ठीक है। मैं अगर कुछ पढ़ाई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आपका कोई डाउट ही ना रहे, आप सब डाउट यहाँ से क्लियर करके फिर जाए, भले ही वो तब तक मैंने पढ़ाया हो नहीं पढ़ाया हो, नीट के सिलेबस के अंदर अगर है तो वो मेरे पास आप लाइए, मैं सॉल्व कर दूंगी, ठीक है, समझा भी दूंगी। तो चलो पढ़ाई अच्छे से करो, और कुछ ही दिन बचे हैं, प्रैक्टिस बहुत करो, रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, रिविजन, रिकॉल, प्रैक्टिस एंड रिपीट, दैट्स इट, ठीक है।